अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं फैसल और आप देख रहे हैं सीएस किंग टेक। आज मैं अपने उन जो नए यूट्यूबर दोस्त हैं उनके लिए वीडियो बनाऊंगा कि यूट्यूब पर कामयाब होने का तरीका क्या है, किस तरीके से आप अर्निंग कर सकते हैं। मैंने इस चैनल को कम्प्लीटली अब टेक पे शिफ्ट कर दिया है। आपको पता है कि पहले इस पे वो डिश वगैरह का होता था, लेकिन अब टोटली इस पे टेक का ही काम हुआ करेगा। 4 साल का मैं आप दोस्तों के साथ तजर्बा शेयर करने लगा हूं। अगर आप YouTube पर कामयाब होना चाहते हैं, भाई दो तरीके होते हैं YouTube पे आके। कुछ लोग कहते हैं जी हमने शॉर्टकट खेलना है, और कुछ लोग मेहनत करके कामयाब होते हैं। तो वीडियो बनाने का तरीका क्या है, वीडियो बनाने से पहले हमने करना क्या है, और वीडियो के बाद क्या करना है। वीडियो बनाना कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, वीडियो अपलोड करना इतना मुश्किल काम नहीं है, लेकिन फिर क्या है जी, फिर हमारे तो व्यू नहीं आते, और हर बंदा व्यू के बारे में बताता है। असल मकसद तो जो भी यूट्यूब पर आता है उसका मकसद होता है अर्निंग करने का, और अर्निंग होती किस तरीके से है यही आज आप दोस्तों को बताऊंगा कि अर्निंग किस तरीके से होती है। व्यू तो आपको मिल जाएंगे, सब्सक्राइबर भी आपको मिल जाएंगे, लेकिन आपकी अर्निंग नहीं होगी। अर्निंग करनी है, मेहनत करनी है, तो फिर आपने मेहनत तो करनी करनी है, तो फिर अर्निंग किस तरीके से करनी है। तो आज इस वीडियो में मैंने आप दोस्तों को ये बताना है कि वीडियो बनाने से पहले आपने सोचना क्या है, और वीडियो जब आपने बना लेनी है तो फिर आपने करना क्या है। फिर आप देखें इंशाल्लाह ताला कि कामयाबी किस तरीके से आपको मिलती है, क्योंकि बहुत से मैंने यूट्यूबर देखे हैं, मैं 4 साल से देख रहा हूं, कोई भी बंदा उसको सब्सक्राइबर भी मिलते हैं, उसको व्यू भी मिलते हैं, लेकिन बीच की बात नहीं बताता, मेन पॉइंट नहीं बताता। वीडियो चाहे वो आधे घंटे की भी बना दे, घंटे की भी बना दे, खासकर पाकिस्तान और इंडिया में आपको कोई भी वीडियो मुकम्मल इंफॉर्मेशन की नहीं मिलेगी। बीच वाला मेन पॉइंट बीच में गैप होगा। उसी वीडियो को आप इंग्लिश में देखेंगे, गौरव की वीडियो देखेंगे, तो आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो आज से मैं भी कोशिश करने लगा हूं कि उन यूट्यूबर को जो नए आए हैं या फिर वो अर्निंग करना चाहते हैं, उनके लिए यार कुछ ना कुछ करूं, ताकि उन दोस्तों को कुछ ना कुछ तो बेनिफिट हो। और इंशाल्लाह ये वीडियो देखने के बाद जो भी यूट्यूबर मेरे कहने पर, मेरे तरीके पर वीडियो बनाएगा, उसकी इंशाल्लाह उस वीडियो पर अर्निंग भी होगी, और बहुत ज्यादा होगी इंशाल्लाह ताला। तो वीडियो आप दोस्तों ने बनाने किस तरीके से, हम क्या करते हैं, वीडियो किस तरह बना लेते हैं। हाँ, कोई भी टॉपिक जेहन में आया, फौरन उठे वीडियो बना दी। उसके बाद हम क्या करते हैं, कोई यूट्यूबर आपको कह रहे कि यहां से टैग ले लें, कोई आपको कह रहा है कि यहां से टैग ले लें, यहां से भी टैग बन जाते हैं, यहां से भी टैग बन जाते हैं। हम क्या करते हैं, वीडियो बना ली, वीडियो में हमने कुछ और बोला, और टाइटल हमने कुछ और लगा दिया, थंबनेल हमने कुछ और लगा दिया, और टैग हमने कुछ और लगा दिए, फिर हमारे व्यू क्या आएंगे, कुछ भी नहीं। और व्यू आ भी जाए तो अर्निंग क्या होगी, कुछ भी नहीं, क्योंकि अर्निंग होती है सीपी की से। अगर आपके टैग, आपकी डिस्क्रिप्शन आपका सीपी सी नहीं है, आपके वीडियो की सीपी सी नहीं है, तो फिर आपकी अर्निंग वो ही सेंट में होगी। और ऐसे ऐसे दोस्त हैं जिनके 200 200 तीन 300 व्यू होते हैं, लेकिन वो 300 300 व्यू पे भी 10 10 डॉलर अर्निंग होती है। क्यों होती है, यही आपको बताना है चाहता हूं कि आपने वीडियो बनाने किस तरीके से है, और वीडियो को लगाना किस तरीके से है। सबसे पहले आप देखें कि आपने टाइटल सोच लिया कि यार आज मैंने इस मौजू पर वीडियो बनानी है, ठीक है, वो टाइटल आपके माइंड में आ गया, आपके जेन में आ गया। आपने क्या करने की, उसका टाइटल बना लेना। टाइटल बनाने के बाद आपने उसके कीवर्ड सर्च करने हैं। सबसे पहले वीडियो आपने बाद में बनानी है, कीवर्ड आपने सबसे पहले सर्च करने हैं। आपने ज्यादा कीवर्ड सर्च नहीं करने, सिर्फ और सिर्फ 3 कीवर्ड आप सर्च कर लें, 3। जी हाँ,
तीन कीवर्ड आप पर सर्च कर लें हाई सीपीसी के। जी हाँ, हाई सीपीसी के आप वो तीन कीवर्ड सर्च करें। कीवर्ड सर्च करने के बाद फिर आप वो तीन कीवर्ड को लेके वीडियो बनाएं, और कम से कम आप एक कीवर्ड को कम से कम अपनी वीडियो में तीन बार बोलें, चाहे वो वीडियो आपकी एक मिनट की हो, चाहे आपकी वीडियो एक घंटे की हो, लेकिन आपने कम से कम उस कीवर्ड को आपने तीन बार बोलना है। जिस तरह आप एक मिसाल है कि कोई वीडियो बना लेते हैं हाउ टू अर्निंग, अर्निंग करने का तरीका क्या है, अर्निंग कैसे करेंगे, इस टॉपिक पे भी अगर आप सीरियल शुरू करते हैं तो मेरे ख्याल से हजारों की तादाद में आपकी वीडियो बन जाती हैं। इस तरह आपने क्या करने के वो तीन कीवर्ड लेने हैं। जब आपने देखा कि ये सीपीसी इन तीन कीवर्ड की हाई सीपीसी है, ठीक है, ये भाई कोई भी आपको यूट्यूबर नहीं बताएगा, इंशाल्लाह आप जितनी मर्जी रिसर्च कर लें आपको कोई भी यूट्यूबर नहीं बताएगा। आपने वो तीन कीवर्ड जो हैं वो अपनी वीडियो में, एक कीवर्ड को आपने पहले एक बोल दिया, फिर उस पर कुछ टॉपिक पे बात कर ली, फिर आगे एक कीवर्ड बोल लिया, फिर उस पर बात कर ली, फिर तीसरा बोल लिया, इस तरह आपने तीन कीवर्ड को तीन बार एक कीवर्ड को बोलना है। भाई लिख ले जितना मर्जी आप लिख ले, जो आपने वीडियो में बोला ही नहीं है तो आपकी आवाज पहचानता है यूट्यूब, जो लिखा है वो तो बाद में देखेगा, अगर वीडियो में आपने बोला ही नहीं है तो फिर लिखे को यूट्यूब ने क्या करना है। फिर वो ही तीन कीवर्ड आप हैशटैग के साथ लगाएं, वो ही तीन कीवर्ड, ठीक है, अगर उनके साथ डिस्क्रिप्शन में भी आप लिखना चाहते हैं तो कोशिश करें कि जब आप डिस्क्रिप्शन लिखते हैं तो वो ही कीवर्ड आप डिस्क्रिप्शन में भी लिखें, उसके बाद वो ही कीवर्ड आप उनको हैशटैग में लिखें, तीन कीवर्ड वो ही तीन कीवर्ड हैशटैग में लिखें, और वो ही तीन कीवर्ड जो हैं वो ही आपने टैग में लगाने हैं। 500 टैग लगाने की ऑप्शन है यूट्यूब, 500 टैग लगाने की ऑप्शन देता है। भाई आपने वीडियो में 500 वर्ड बोला ही नहीं है और 500 टैग आप लगा रहे हैं तो उस टैग का क्या फायदा, आपका कोई भी टैग रैंक नहीं करेगा। रैंक का मतलब ये नहीं है कि आपकी वीडियो पे लाखों व्यू आ गए, और भाई लाखों व्यू आ भी जाएंगे तो आपकी अर्निंग बनेगी $1, $2, तो उसका आप क्या करेंगे। मसला ये कि आपको कीवर्ड ही हाई किस्म के कीवर्ड ढूंढने हैं, कीवर्ड ढूंढ के फिर आप उस पर वीडियो बनाएं। ये नहीं है मुंह उठाया कोई भी वीडियो बना दी और उस पर भाई मेरे वाला ही हाल होगा। मैंने 4 साल कभी भी कोई कीवर्ड यूज नहीं किया, 4 साल से मैंने कभी कोई कीवर्ड नहीं यूज किया, ठीक है। अब मैंने जब यूट्यूबरों में बैठना शुरू किया, अब उनकी अंदर की बातें निकाल ली, फिर मुझे भी आस्ता आस्ता समझ आनी शुरू होगी कि यार असल चक्कर कीवर्ड का है, मैंने तो कीवर्ड कभी ढूंढा ही नहीं था, ठीक है फलाने चैनल की वीडियो आ गई बना दी। भाई डिश के टॉपिक पे तो कीवर्ड होते ही नहीं है, वहां तो माना के वहां तो कीवर्ड होते ही नहीं है। आप टैग पे काम करते हैं, आप वेबसाइट ट्रैफिक पे काम करते हैं, आप किसी भी चीज पे काम करते हैं, जाहिर है उनका कोई ना कोई कीवर्ड तो होता ही होगा ना। तो मेन मकसद यही है कि दोस्तों अगर आपने वाकई ही अर्निंग करनी है तो आपको समझ आ जाएगी, जब आप कीवर्ड सर्च करेंगे, हाई क्लास कीवर्ड सर्च करेंगे तो आपको उनकी अर्निंग का भी पता चल जाएगा। तो फिर आप देखिएगा कि आपकी वीडियो पे जो 1000 व्यू आ रहा था उसके कितने पैसे बने, और जो आपकी वीडियो पर 100 व्यू आया उसके कितने पैसे बने। मुझे उम्मीद है कि मेरे नए यूट्यूबरों को ये समझ बहुत अच्छी तरह आ गई होगी, और आ जाएगी तो लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। इंशाल्लाह अब मैं इस पे टैग का ही काम करूंगा, CS किंग टैग पर टैग का ही काम होगा, और नत नए तरीके में आपको बताऊंगा कि आप अर्निंग इंटरनेट पे कैसे कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।